हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हेयर, माय नेम इज़ प्रियंका। सो फ्रेंड्स, टुडे आई विल शेयर विथ यू ऑल अ प्रोडक्ट रिव्यू विच आई एम यूजिंग सिंस फ्यू मंथ्स, एंड मुझे वो प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है। सो आई थॉट मुझे आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करना चाहिए। उसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करूं। एंड फर्स्ट थिंग, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, मैंने खुद से ये प्रोडक्ट खरीदे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूं। सो बिना देरी के लेट्स मूव टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं जिन दो प्रोडक्ट्स की बात कर रही थी, आई विल नॉट से इट्स अ मैजिक, बट इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ऑयली स्किन। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो आई हैव अ 1 AHA BHA फॉर्मिंग क्लींजर विच हैव मैंडेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिक एसिड। सो ये तीनों ही एसिड्स हमारे स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल हैं और ऑयली स्किन पर ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। सेकेंड इज़ 10% नाइसिनामाइड सीरम विच हैव विटामिन B3 एंड जिंक। ये दोनों भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट डिटेल देने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप किसी भी एसिड बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करते टाइम अगर आप सन में बाहर जा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इनका इफ़ेक्ट आपकी स्किन पर बैड हो सकता है, ये आपको उल्टा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद दिस AHA BHA फॉर्मिंग क्लींजर विच इज़ रियली रियली गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन, और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। एक्चुअली दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड दिस इज़ AHA BHA फॉर्मिंग क्लींजर विच हैव मैंडेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। सो ये तीनों ही एसिड हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं और ये बहुत ही जेंटल फॉर्मिंग क्लींजर है जो आपकी स्किन में अंदर तक जाकर आपकी स्किन को क्लियर करता है, एंड बहुत ही इससे स्किन सॉफ्ट हो जाती है। एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा हार्श फ्रेग्रेंस नहीं है इसकी। तो फ्रेंड्स, बस आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है और इसके अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ अ, इसका कैप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रेवल फ्रेंडली है एक्चुअली, एंड ये एक फॉर्मिंग क्लींजर है और इसका पंप भी बहुत अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा निकलता है ना कम, जितना अमाउंट आप प्रेस करेंगे उतना ही इसमें आएगा। सो इस तरह का कुछ है ये देखिए, और अमाउंट भी बहुत अच्छा है, आराम से आपका एक दो मंथ ही चल जाएगा। और अगर आपको एक्टिव एक्ने हैं तो इसको आप दोनों टाइम यूज़ कीजिए, और अगर धूप में जा रहे हैं तो दिन में यूज़ ना करके आप इसको रात में ही यूज़ कीजिए। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, जो है हमारा नाइसिनामाइड सीरम 10%, एंड इसमें है विटामिन 3 एंड जिंक जो हमारे स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। तो विटामिन 3 हमें एवोकाडो में मिलता है, तो इसमें जो विटामिन 3 दिया गया है तो वो हमें एवोकाडो वाले जो बेनिफिट हमें एवोकाडो से मिलते हैं वही हमें इससे मिलने वाले हैं। एंड जिंक तो आप सब लोगों को पता ही है कि हमारी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें इसमें हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अंदर से किस तरह का है। तो ये है एक इस तरह का, जिसमें दिया गया है एक पंप, एंड दिस इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट टाइप जो सीरम है ये देखिए, और 3-4 बूंदें ही इसकी इनफ हैं, आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाता है ये, और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो बस इसको भी आप रात में ही यूज़ कीजिए। आई विल नॉट सजेस्ट कि ये प्रोडक्ट्स आप दिन में यूज़ कीजिए, क्योंकि हमें मोस्टली घर से बाहर जाना ही पड़ जाता है। अगर आप घर में रह रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर बाहर जा रहे हैं तो आप प्रोडक्ट्स रात में ही यूज़ कीजिए। सो फ्रेंड्स, सीरम हमको आफ्टर 30 यूज़ करनी ही चाहिए। मैंने भी कुछ दिनों से ही यूज़ करना शुरू किया है और सीरम का इफ़ेक्ट मेरे फेस पे मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन इससे ब्राइट हुई है और मेरे एक्ने स्कार्स बहुत हद तक कम हुए हैं, एंड एक्ने बहुत कम निकल रहे हैं अभी इस टाइम। तो चलिए, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से इनको यूज़ करती हूँ। सबसे पहले, अगर आपके फेस पर कोई मेकअप है तो उसको अच्छे से रिमूव कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्लींज़र लेकर उसको जेंटली मसाज करके अपने फेस पर, देखिए यहाँ पर मैं जेंटली मसाज कर रही हूँ, और उसके बाद प्लेन वाटर से इसको वॉश कर लेना है।
और इसको दिन में दो बार आप लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर वॉश करने के बाद टॉवल से अच्छे से वाइप कर लीजिए और गीला नहीं रहना चाहिए फेस। उसके बाद टॉवल ड्राई करके आप सीरम लेकर 5-6 ड्रॉप इनफ है ड्रॉप लेकर और अपने फेस पर अच्छे से धीरे धीरे डैप करके इसको लगाइए और हल्के से मसाज भी कर लीजिए, ज़्यादा तेज उसको रब नहीं करना। सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए एंड इट्स डन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपको डर्मा को की वेबसाइट पर ही जाकर परचेज़ करनी होगी, अदर्स में आई डोंट थिंक सो ये कहीं पर मिलेगी। और जब मैंने ये प्रोडक्ट्स बाय किए थे तो मुझे ये कॉम्बो में 500 समथिंग में मिल गए थे, और अलग से इनकी जो रेट है सीरम की, जो इस पर प्राइस है 599 है सीरम की, एंड जो क्लिंजर है उसकी प्राइस है 349। लेकिन डर्माको की साइट्स पे मैंने देखा है मोस्टली ऑफ़र्स रहते हैं, तो अगर आपको ऑफ़र में प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वाई नॉट आपको ऑफ़र में ही ख़रीदने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करेगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको ऑयली स्किन है और आपको एक्ने है और एक्ने पोन स्किन है और ब्लेमिशेस हैं, तो आप इन प्रोडक्ट्स को एक ट्राई ज़रूर दीजिए, हो सकता है आपके लिए भी उतने ही बेनिफिशियल हों। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।